हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो हमारे प्लांट्स में सफ़ेद कीड़े यानी कि मिली बग लग जाते हैं और ब्लैक एफिड्स किसी भी तरह के इंसेक्ट्स लग जाते हैं, उन्हें दूर करने का बहुत ही आसान तरीका जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और बिल्कुल फ्री है, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और आप बहुत ही आसानी से इन कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पर सफ़ेद ये मिलीबग लगे हैं मेरे भिंडी के प्लांट में, और अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो ये धीरे धीरे प्लांट से रस चूस चूस कर उस प्लांट को ख़त्म कर देते हैं, और चींटियाँ इनको अपने पैरों में इनके अंडे चिपका कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैला देती है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर इंसेक्ट्स का अटैक बहुत कम है तो हम पानी की तेज़ धार से उसे धो सकते हैं। अगर एक या दो पत्तों में लगाया तो उन्हें तोड़कर भी फेंका जा सकता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्लांट्स में लग गया है तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, जो एक फर्टिलाइज़र भी है और इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड भी है, जो घर पर ही आसानी से हम तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और हर प्लांट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पर। वो है वुड ऐश, लकड़ी या उपलों की राख। और फ्रेंड्स, अगर आपने इसे स्टोर करके नहीं रखा सर्दियों में तो आप इसे इंस्टेंट भी तैयार कर सकते हैं। किसी भी उपले के टुकड़े को या गार्डन के सूखे हुए प्लांट्स की लकड़ी को जलाकर और उसे ठंडा करके छानकर हम यूज़ कर सकते हैं। इसे हम शाम के समय अच्छे से छिड़क देंगे जहाँ जहाँ पर इंसेक्ट्स लगे हैं, पूरी तरह से ढक देंगे उस पार्ट को, और दूसरे दिन साफ़ पानी से सुबह अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है ताकि प्लांट को धूप और हवा लग सके और उसकी ग्रोथ पर कोई असर ना पड़े और वो आसानी से अपना भोजन बना सके। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक ही बार के यूज़ से सारे इंसेक्ट्स ख़त्म हो गए हैं। मैंने यहाँ पर साफ़ पानी से वॉश कर दिया था, ये दो दिन बाद का रिज़ल्ट है। और यदि आपके प्लांट में ज़्यादा इंसेक्ट्स का अटैक है तो एक बार और इसे रिपीट कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक से ज़्यादा बार भी इसे रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि राख पोटैश का सोर्स है, इससे हमारे प्लांट को पोटेशियम मिलता है जिससे फल और फूलों की संख्या भी बढ़ती है और मिट्टी में किसी भी तरह के फंगस को भी ये दूर करता है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये राख ड्राई होती है तो मिलीबग जैसे चिपचिपे कीड़ों पर ये चिपक जाती है और उनका सफाया कर देती है, साथ ही एफिड्स पर भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।